गुड मॉर्निंग। सो अभी 6:30 हो चुके हैं, तो मेरा वेकअप जो था वो 5:20 पे था। वो जो यहाँ का सनराइज़ था वो 5:24 पर था। तो सनराइज़ भी देख लिया, सनराइज़ के साथ कुछ अच्छे टाइमलेस भी ले लिए, कुछ फ़ोटोज़ भी ले लिए। अभी सब साथ ही उठ चुके हैं और आधे ब्रेकफास्ट का रेडी कर रहे हैं और आधे फ्रेश हो रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ब्रेकफास्ट के बाद मिलते हैं आप लोगों के साथ। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी सुबह के 7 हैं और 6 हम लोग उठ गए थे। कुछ लोग रात को सो पाए और कुछ लोग नहीं सो पाए। मैं और शायद बैठे से सो पाए, बाकी कुछ लोग तो पूरा रात को जगे रहे क्योंकि इनको डर था। और अभी उठ के हमने चाय बनाई है, अब चाय पी रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं दरवास्तु के लिए निकलेंगे। से बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ हुई, मेरे दोस्तों ने बहुत सारी बातें की आपके साथ, मैंने बहुत सारी बातें की आपके साथ, लेकिन कुछ बातें आपको इम्पोर्टेंट बात जो थी आपके साथ वो कहना भूल गया था मैं, सॉरी उसके लिए। देखो जो हमारा ग्रुप है इसमें से पूरे लोगों ने वैक्सीन किया हुआ है ऑलरेडी, सब कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आए हैं। ये नहीं कि हम लोग ऐसे उठे घर से निकल आए हैं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं है हमारे साथ। हम लोगों ने पूरा अच्छी तरह से पहले अपना नेगेटिव टेस्ट किया, उसके बाद हमने वैक्सीन करवाई, करा के फिर जाके हम लोग यहाँ पे आए।
ऐसा नहीं कि आप लोग को भी मैं यही मशवरा दे रहा हूँ यार, मतलब ये बहुत बहुत कठिन टाइम है हमारे लिए, तो आप लोग ये कर सकते हो कि आप अपने दोस्तों को या अपने किसी के रिश्तेदार को किसी के साथ कैंप साइट में आते हो, खासकर कश्मीरियों के लिए यार, लोकल साइट में लोकल जो आ रहे हैं, तो आप काम कर सकते हो, आप लोग अपने नेगेटिव टेस्ट ले लीजिए पहले, जो भी अपने साथ खाने वाले उसके रिपोर्ट्स अच्छी तरह से ले लो, उसके बाद SOP जो है उसको सबको फॉलो करो और अच्छी तरह से डिस्टेंस मेंटेन करो। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी पॉपुलर जगह पर जा रहे हो तो आप वहाँ पर भी डिस्टेंस मेंटेन रखो, अगर आपको लग रहा है कि किसी अनएक्सप्लोर्ड पर जा रहे हो तो उसका पता ही होता है आपको वहाँ पर कुछ ज़्यादा लोग होते नहीं हैं। तो ऐसी कुछ बातें बोलनी थी कल आपको, लेकिन कल मैं ऐसी बातें बोला नहीं था, लेकिन कल टाइम नहीं मिला हम लोगों के, थकावट बहुत थी, चलना बहुत था, तो सही है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम जाकर ऊपर, जैसे हम पहुँचते हैं तो फिर बाकी बातचीत ऊपर ही होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बस 12:30 हम निकल रहे हैं धर्मास्टू की ओर, सो अभी हम अभी भी 9 बंदे हैं हमारे साथ, तो हमें थोड़ा सा लेट हुआ निकलने में, क्योंकि किसी एक बंदे का इंतज़ार था, वो पीछे रह गया था। तो अभी सब लोगों ने ट्रैकिंग अपने हिसाब से स्टार्ट की है, हर एक अपने हिसाब से हाइक करेगा, देख लेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे सफ़र कैसा रहेगा। इतना इजी भी नहीं है, लेकिन तब भी बोल सकते हैं, लेकिन हिम्मत करके चलना ही पड़ेगा। गाइस ऑलराइट गाइस, अभी हम सबमिट कर चुके हैं, तो अभी हम जस्ट एक टॉप पे पहुंचे हैं, टॉप का नाम अभी मुझे पता नहीं, हम शक्ति से पूछ के आपको टॉप का नाम बता देंगे। प्लस यहाँ का जो व्यू है पूरा 360 व्यू है, स्टीप व्यू प्लस माउंटेन व्यू है, आप हर साइड का व्यू देखते हैं, हमें गुलमर्ग व्यू भी दिखेगा यहाँ से, हमें श्रीनगर व्यू भी दिखेगा, हमें से यहाँ से और हमें शमशान का व्यू भी दिखेगा यहाँ से। एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपका दिल बस खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा यार। ऑलराइट गाइस, सो अभी स्कीइंग हो रही थी, जस्ट सनसेट होने वाला है, तो हमारी अभी फुल डे स्कीइंग थी, कुछ ट्रायल थे, कुछ अच्छी स्कीइंग थी, कहीं को कुछ सीखने को मिला, कहीं को कुछ अच्छा था, तो बहुत ही इन्जॉय किया हम लोगों ने। बर्फ़ बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट बर्फ़ है, आप देख सकते हो, कहीं कहीं थोड़ा बहुत पत्थर वगैरह दिखेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा नीचे हैं, क्योंकि पूरा नहीं, क्योंकि हमारा बेस कैंप नीचे है। सो बहुत ही इन्जॉय किया हम लोगों ने, स्पेशली मैंने और जिला ने, मगर शाहिद ने, तो बहुत ही सही था हमारे लिए ये ट्रिप, बहुत ही मज़ा आया इस ट्रिप में, जिससे मैं सोच रहा था वैसा ही हुआ ये। ऑलराइट गाइस, सो ऑलमोस्ट हमारी स्नोबोर्डिंग भी होगी, स्कीइंग भी होगी, तो उसके बाद ऑलमोस्ट सनसेट भी हो गया, सनसेट बहुत ही अमेजिंग था, आज मैं आपको दिखाऊंगा। वाओ, सो दिस इज सनसेट इन आवर बैक साइड यू कैन सी, और ये हम रहे यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा दिन था आज का, थोड़ा ट्रिक भी किया और अच्छी पिक्स भी ली, अच्छी वीडियोस ली, अच्छी स्कीइंग की, स्नोबोर्डिंग एंजॉय किया, जो हमारा असली में मोटिव था,
तो सही रहा, ये होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि समर स्कीइंग वगैरह जो भी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे अगस्त तक हमारे पास बर्फ़ रहती है, तो हम लोगों के पास ये चीज़ होनी चाहिए थी कि हम लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने का टाइम मिलना चाहिए हर साल। लेकिन क्या होता है कि कारोबार की वजह से हम लोग सब बिजी हो जाते और हम लोग बस अपनी धुन में चले जाते हैं फिर। लेकिन क्या पता यार हम क्या क्या, मैं क्या बोलूँ आपको, हम क्या क्या चीज़ें मिस करते हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हम मिस कर लेते हैं यहाँ पे। हम लोग को पास खबर भी नहीं होती कि हमारे हाथ में क्या, हमारे हाथों से क्या छूट रहा है और हमें क्या चाहिए। तो चलो किसी हद तक ये भी सही है कि लॉकडाउन ही था कि हम लोग का ये कुछ देखने का नसीब हुआ। तो क्या बोलूँ, तैयारी कर रहे हैं तो अभी हमारे टेंट्स भी लग चुके हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं और टेंट्स लगाने की, फिर फिर देखेंगे खाने का, खाने पीने का क्या बंदोबस्त करेंगे हम, तो उसके लिए भी हमने आग जला के रखी है। तो देखते हैं अभी आगे क्या होगा। देखिए हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं सनसेट, मजा आ रहा है यार। पूरा 360, पूरा 360 में आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा। 360 का वो जो इस साइड वाला व्यू है मैं आपको नाइट पे दिखाऊंगा, क्योंकि नाइट में वो बहुत सही आएगा। ऑलराइट गाइस, सो ऑलमोस्ट हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो अभी निकल पड़े हम ऊपर की तरफ। आज थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे अपने हिसाब से, फिर आके नीचे जाना हमें। लेकिन जो आधे लोग यहाँ पर करें जो सामान के ख्याल रखेंगे, और उसके बाद आधे लोग ऊपर जा रहे हैं जो ऊपर पहले नहीं गए। तो गाइस निकल चुके हैं टोटल हम 5 लोग ऊपर की तरफ, मैं, उमर, शाहिद और जीरा भाई और हमारा दोस्त। तो देखते हैं इंशाल्लाह, रास्ता बर्फ वाला भी है, रास्ता सूखा भी है, कहीं कहीं खाली जगह हैं, कहीं कहीं बर्फ से। गाइस हम अभी एक रास्ते से आए थे और वापस दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, पता नहीं शायद अभी 40 मिनट और लगेंगे हमें, तो 40 मिनट के बाद हमारी गाड़ी नीचे आएगी, तो उसके बाद सीधा घर जाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। गाइस सो हमारी गाड़ी आ चुकी है, वेलकम बैक। एंड गाइस वापस आ चुके हैं, अभी जस्ट रीच रोड पे, अभी जस्ट पहुंचे हैं रोड पे। तो मेरे साथ कुछ बंदे थके हुए, पसीना माथों पे, और बस दिल की खुशी लेके वापस आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल सब खुशी से वापस और अच्छी तरह से वापस, किसी बिना किसी मुसीबत के। तो प्लीज़ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब खैरियत से फिर से। ये हमारा गाइड था, हमारा गाइड था, क्या रास्ता दिखाया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सी यू।